नमस्कार, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टडी फाइव, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, यातायात। तो क्या आपको पता है कि चित्रपाठ किसे कहते हैं? ठीक है, मैं ही आपको बताती हूँ कि चित्रपाठ किसे कहते हैं। हमारे ये जो पूरी दुनिया और उसी दुनिया में बाहर की जो परिस्थिति होती है, उसका एक छोटा हुआ चित्र किसी एक चित्र में चित्रित किया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चित्रपाठ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो स्कूल होती है, स्कूल में क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ब्लैक बोर्ड्स होता है, बेंचेस होती है, स्कूल में गार्डन्स होते हैं, झूला होता है। तो वो सारा वर्ण किसी एक बुक या किसी एक चित्र में किया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? चित्रपाठ कहा जाता है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो गांव है, छोटा छोटा हमारा गांव है, उसमें कितने सारे घर होते हैं, गांव में मंदिर होता है, मंदिर के पीछे कितने सारे पहाड़ होते हैं, वहाँ से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ के ऊपर से कितने सारे पंछी आते जाते हैं। तो वो सबका वर्णन किसी एक चित्र में किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? चित्रपाठ कहते हैं। रेलवे स्टेशन जो होता है, रेलवे स्टेशन में क्या होता है? कितनी सारी रेलगाड़ियाँ आती है जाती है, रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है, कितनी सारी बेंचेस होती है, सबको अच्छा लगता है ना रेलवे स्टेशन में जाना, स्पेशली गाड़ी में बैठना। तो उसका सारा जो वर्णन होता है वो एक चित्र में किया जाता है, और उसे हम क्या कहेंगे? चित्रपाठ। आज हम कहेंगे यातायात यानी चित्रपाठ। बच्चों, आप सबको गार्डन में जाना तो बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? गार्डन में, गार्डन का नाम सुनते ही आप कितना सारा इमेजिनेशन करने लगते हो कि वहाँ राइड होगी, झूला होगा, अप एंड डाउन होगा, कितने सारे बेंचेस होंगे। लेकिन अभी तो कोरोना है, आप अभी जा नहीं सकते, लेकिन आप अभी जा तो नहीं सकते, लेकिन आज हम ये चित्रपाठ पढ़ के हमारे आसपास ही गार्डन में ऐसा हम फील करें। तो हम चित्रपाठ में देखते हैं कि जब हम गार्डन में जाते हैं तब हम कैसा महसूस करते हैं, कि वहाँ का जो गेट होता है, उस गेट को देखते ही हम भागते भागते अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं तो हम साइड से देखते हैं तो वहाँ पे ना बेंचेस होती है। आप किसके साथ गार्डन में जाते हो? अपने दादा के साथ, मम्मा पापा के साथ, या फिर अपने चाचा के साथ, ओके? लेकिन जब आप जाते हो तब आपके दादाजी अगर आपके साथ आते हैं तो वो तो बुजुर्ग होते हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, इसलिए गार्डन में बेंच होती है और दादाजी वहाँ पर बैठते हैं और आप गार्डन का कितना सारा लुत्फ उठाते हो, ओके? तो हम देखेंगे कि गार्डन का नज़ारा कैसा होता है, गार्डन का नज़ारा कैसा होता है। उसमें फव्वारा होता है, फव्वारे से ही गार्डन की शोभा होती है। फव्वारा कितना सारा होता है? छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, फिर उनमें से पानी निकलता है और हमें उसके पास जाना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं झूला, अरे हमने तो वो झूला देख लिया। फिर हमें उसके ऊपर बैठने का मन हो ही जाता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग होते हैं और सबको झूले पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को तो एक बार अगर बैठ गए तो फिर वहाँ से खड़े होने का नाम ही नहीं लेते, बिल्कुल आप जैसे बच्चे को। फिर हम क्या देखते हैं? राइड देखते हैं जो सर्कल सर्कल घूमती है। और फिर हम देखते हैं फ्लावर्स, कितने सारे फ्लावर्स होते हैं। झूले पर बैठते बैठते हमें ना बहुत अच्छी स्मेल आती है, कितनी सारी अच्छी अच्छी स्मेल आती है। फिर हम सोचते हैं कि ये स्मेल किसकी होगी, फिर हम उस स्मेल की तरफ भागे और खींचे चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं तो हमें लगता है, अरे वाह, ये स्मेल तो बहुत ही अच्छा फ्लावर्स में से आ रहे हैं। तो फ्लावर्स तो आपने कितने सारे देखे होंगे बाग में, ओके? तो आज हम ऐसे ही फ्लावर्स देखेंगे। तो बच्चों, ये है फ्लावर्स, इसे क्या कहते हैं? इसे रोज कहते हैं, गुलाब।
क्या कहते हैं? गुलाब। गुलाब कितने सारे कलर का होता है? ये अभी कौन से कलर का है? पिंक, यानी कि गुलाबी, ऑरेंज, लाल। और गुलाब तो ब्लैक कलर का भी होता है। फूल कहाँ कहाँ काम आते हैं? फूल किसी की शादी में काम आते हैं, हार पहनाने के लिए। फूल भगवान को चढ़ाने के लिए काम आते हैं। फिर हम देखेंगे ये क्या है? बारहमासी। इसे क्या कहते हैं? बारहमासी। ये देखो कितना खूबसूरत फूल है ना, आगे पिंक कलर है और अंदर डार्क पिंक कलर है, और इसका शो इससे ही आता है। तो बच्चों अभी हमारे पास कितने सारे ऐसे अच्छे अच्छे फ्लावर्स है ना। फ्लावर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है आपको पता है? फ्लावर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? हम भगवान को चढ़ाते हैं, बालों में लगाते हैं। लड़कियाँ अक्सर फ्लावर्स बालों में लगाती है क्योंकि उन्हें बालों में लगाना बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं से उनकी सुंदरता दिखती है ना। फिर हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, भगवान को माला चढ़ाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि बाहर सड़क है और उस सड़क के पास कितने सारे गाड़ियां जा रही हैं, कार है, स्कूटर है, और उसके पीछे हम देखेंगे तो कितने सारे पहाड़ है, एक के ऊपर एक। हमें ऐसा लगता लेकिन वो पहाड़ है वो आपस में जॉइंट हुए होते हैं। उसके पीछे से हम देखते हैं तो वहाँ से क्या निकल रहा है, हमें उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या है जो छुप 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 करती आती है? वो क्या है? बैलगाड़ी। हमें उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली आप जैसे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि आकाश में क्या होता है। आकाश जब कलरफुल आकाश होता है तो उसमें क्या है? हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, उसमें भी बैठना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को ट्रैवल करना तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा? इसमें गार्डन देखा, पहाड़ देखे, स्कूटर देखे, गाड़ियाँ देखी, और इस सब में से हमें क्या सबसे अच्छा लगा? यानी कि ये फ्लावर्स। कितने सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स है। फ्लावर्स में सूरजमुखी भी होता है, और सूरजमुखी की खासियत आपको पता है क्या है? कि वो जब भी सूरज जहाँ पे जाता है वो उसकी तरफ ही मुड़ता है। सूरज जब सुबह पूर्व में से उगता है तब वो बारहमासी का फूल उसकी तरफ मुड़ता है, शाम को पश्चिम की तरफ मुड़ता है, और ये उसकी बारहमासी की खासियत है। और अभी हमने क्या देखा? अभी यहाँ पे क्या है कि चित्र देख के फूलों के नाम की सूची बनाए। यहाँ पर हमने कैसा कैसा फूल देखे? रोज देखे, बारहमासी देखे, चंपा देखा, करेण देखा, देखा ना कितने सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। और अभी हम गार्डन में क्या देखे हैं? अभी हम गार्डन में क्या देखते हैं? अभी हम गार्डन में ट्रीज देखे, कितने सारे ट्रीज थे। वो मैंगो का ट्रीज था, पीपल का ट्री था, कितने सारे ट्री थे। तो बच्चों ट्री हमें क्या देता है कोई बताएगा? तो ट्री कहाँ कहाँ यूजफुल होता है ये हम जानते हैं। ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, फिर ट्री हमें फल देता है, वेजिटेबल्स देता है। ट्री है वो रेन लाने में यूजफुल होता है। ओके, तो ये था पूरा वर्ण जो हमने इस चित्र पाठ में देखा। आई होप आप सबको आ गया हो और अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।